दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें मास्केड आधार कार्ड इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे जनरेट करना है। कई सारी जगहों पर जब हम आधार कार्ड को आईडी के तौर पे देते हैं तो वहाँ पर हमारे आधार कार्ड का मिसयूज होने के चांस रहते हैं, वहाँ पर दुरुपयोग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग वहाँ पर अपना मास्केड आधार कार्ड दे सकते हो। मास्केड आधार भी आपके आधार कार्ड के जैसा ही बिल्कुल सेम होता है, जिस पर कि आप सभी के आधार नंबर के कुछ नंबर हाइड होते हैं और वहाँ पर आप सभी को एक वर्चुअल आईडी दी जाती है जिसे आप कभी भी डिलीट भी कर सकते हो, अपने आधार कार्ड का काम खत्म होने के बाद उसे रद्द भी कर सकते हो। तो किस तरीके से इसे आप जनरेट करेंगे, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्केड आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पे ही आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। इस पेज पर आप आओगे तो नीचे की तरफ पेज को आप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको गेट माई आधार की एक टैब मिलेगी जिस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा, जिसमें कि इस पेज में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड आधार का। तो यहाँ पर डाउनलोड आधार जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन पेज आता है, जहां पर अगर आप मास्केड आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पर लॉगिन नहीं करना है। इस पेज को आपको नीचे की तरफ डाउन करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड को तीन मेथड से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपना आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट आईडी, जब हम आधार कार्ड का इनरोलमेंट कराते हैं वो नंबर दे करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल आईडी यहाँ पर दे करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबके पास में आधार नंबर होगा तो हम आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें अब अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को सेम जैसा ये लिखा हुआ है, अगर ये कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में ही यहाँ पर टाइप करना है। और इसके बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर यूआईडीआई की तरफ से एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको इंटर ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है जिसमें फिल कर देना है। लेकिन यहाँ पर ओटीपी को फिल करने से पहले यहाँ पर जो मास्केड आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया, डू यू वांट टू मास्केड आधार, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, जिसके बाद नीचे की तरफ जो फोन पे ओटीपी रिसीव हुआ उसे फिल कर देना है और वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे आपके फोन में ये जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है, जिसे आप जिस भी लोकेशन में अपने फोन में सेव करना चाहते हैं सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो आधार कार्ड है, इसको प्रिंट करना हो या फिर कहीं पर भी दिखाना हो तो इसे आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। अब ये जो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, इसमें आपको अपने नेम के फर्स्ट 4 डिजिट जो नेम है वो टाइप करना है। इसके बाद में जो भी बर्थ ईयर है यहाँ पर टाइप कर लेना है, यही आपका पासवर्ड है। इसमें आपको कोई भी सिंबल या फिर स्पेस यूज नहीं करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे मेरे फोन में ये एक ई आधार पूरा लेटर डाउनलोड हो चुका है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे मेरे आधार कार्ड के जो फर्स्ट 8 डिजिट है इस पे नहीं है, इसकी जगह XX दिया गया है। यहाँ पर ये जो आधार कार्ड है इसको कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका आधार नंबर है वो हाइड है। यहाँ पर अगर किसी को भी ऑथेंटिकेशन करना है तो वो भी इसके माध्यम से हो जाएगा। यहाँ पर VID का जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि वर्चुअल आईडी जो यहाँ पर दी गई है, इसके माध्यम से कोई भी ऑथेंटिकेशन कर सकता है और इस वर्चुअल आईडी को कभी भी आप चेंज कर सकते हो, दोबारा से रिसेट करके नई वर्चुअल आईडी आप पा सकते हो। इसलिए ये जो आधार है पूरी तरीके सेफ है और ये आधार बिल्कुल आपके आधार कार्ड जैसा ही होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।